नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रो चैनल। इस चैनल में मैं आपको जो दूसरा एक दिवसीय T20 है उसकी टीम बताऊंगा, मैच प्रीव्यू बताऊंगा। तो ओपनर की बात करते हैं इंडिया में शिखर धवन ने, जिन्होंने पहले T20 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। दूसरे नंबर पर हम आपसे रोहित शर्मा है, जिन्होंने पहले T20 में 11 रन बनाए थे और वो फिर कूटनैल की बॉल पर आउट हो गए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली, जिनका शानदार प्रदर्शन रहा है। वनडे सीरीज़ में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन फर्स्ट T20 में उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और मनीष पांडे को विराट कोहली एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि इनका ODI सीरीज अच्छा नहीं रहा था और धोनी तो खेलेंगे ही, वो फेवरेट है इंडिया के, इसलिए उनके खेलने में कोई दोराय नहीं है। और केदार यादव बहुत ही बढ़िया एक ऑलराउंडर स्पिनर उभर के आए हैं पिछले एक साल में इंडिया की टीम में, और इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। हार्दिक पांड्या जैसे कि आपको पता है विराट कोहली के फेवरेट हैं और ये मैच खेलेंगे ही, बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर हैं। नंबर 8 पे आते हैं भुवनेश्वर कुमार, जो बॉल को दोनों साइड स्विंग करवाते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। कुलदीप यादव जैसा कि जो पिच है वो स्पिनर के लिए अच्छी है, तो कुलदीप यादव खेलेंगे ही। और जसप्रीत बुमराह भी बहुत ही अच्छे बॉलर उभर कर आए हैं इंडिया की टीम में पिछले दो साल में, बहुत ही इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। युजवेंद्र चहल भी विराट कोहली के फेवरेट हैं और ये आज खेलेंगे ही सेकंड T20। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में, कौन ये मैच जीतेगा और किस टीम का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। तो दोस्तों, कोई दोराय वाली बात नहीं है, इंडिया ही ये मैच जीतेगा, क्योंकि इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन तीनों ही बहुत बढ़िया हैं और बॉलिंग में भी बहुत अच्छा है, तो विनिंग चांस इंडिया का 70% रहेगा। थैंक यू।